हाँ, आठ धातु था वो, इसी कम से कम 40-45 वर्ष पहले ये चोरी हो गया है। 40-45 वर्ष पहले जंगल हो गया था महा पूरा स्थान जी, गाछी वृक्षी सब हो गया था महा। तो हम ग्रामीण लोग मिल करके इनका सफा सुथरा किया गया है दो बरस तक लग जी। तकरा बाद हम लोग मूर्ति ला करके इनका बैठाया गया है, राम जानकी सीता हनुमान जी काशी विश्वनाथ जी। यही वो रानी सती मंदिर है सूरसंड का फेमस, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इसी मंदिर के गुंबज को आप देख सकते हैं, पूरा टूट चुका है और पूरा खंडर हो चुकी है ये मंदिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्जुन यस व्लॉग्स। मैं हूँ नीरज और इस वक्त मैं हूँ सूरसंड में, जो कि सीतामढ़ी ज़िले में स्थित है। मेरे पीछे आप ये भव्य मंदिर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इस मंदिर का एक अलग इतिहास रहा है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में भी यहाँ की पुजारी जी से बात करूँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए रानी सती मंदिर सूरसंड। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो रानी सती मंदिर है सूरसंड का फेमस, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इसी मंदिर के गुंबज को आप देख सकते हैं, पूरा टूट चुका है और पूरा खंडर हो चुकी है ये मंदिर। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं, इस मंदिर का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, साथ ही इस मंदिर का इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर परिसर है, पूरे मंदिर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, मंदिर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं और यहाँ के पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इस मंदिर के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यही प्राचीन काल में इस मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता होगा, काफी जर्जर स्थिति में है। आप देख सकते हैं इसके कुछ भी पार्ट अब नहीं बचे हैं, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। सरकार को इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का परिसर है, ये बगान कह सकते हैं, ये बाग कह सकते हैं, कई तरह के पौधे लगे हुए हैं यहाँ, जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। और ये है फ्रंट लुक इस मंदिर का, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम यहाँ पे शाम हो चुकी है और इस मंदिर की शोभा बढ़ाती है ये यहाँ के गुंबज, यहाँ के नक्काशियाँ,
और काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पर आपको नजर आएगा। चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का नजारा। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ, साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ के पुजारी जी से। नाम हुआ किशन दास, किशन दास जी। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए सर। ध्यान है, राम जानकी का मंदिर है, स्थान है, भोले शंकर के लिंग है, काशी विश्वनाथ जी है जी, है ना, उनका ग्रामीण द्वारा उनका पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है जी, है ना, मंदिर का देखभाल हो रहा है जी, है ना। 10-12 बरस महाजंगल हो गया था जी, तो हम ग्रामीण लोग मिल करके इसको साफ सुथरा कर करके उनका पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है ठाकुर जी को। इस मंदिर के इतिहास क्या रहा है, मतलब ये मंदिर जैसे दिखता है काफी प्राचीन गुमज था जी, 5 के गुमज था, ऊपर भूकंप में टूट गया। अच्छा, भूकंप नहीं आता बड़ा है, मतलब कब की बात हुई है ना, 1996 की, हाँ उसी टाइम में है ना, जो टूट के गिर गया। अच्छा, तो कितने गुम्बज अभी बचे हुए हैं? गुम्बज अभी 2 ही बचे हुए, 2 बचा हुआ जी, है ना, 2 गुम्बज बचा हुआ है। तो सरकार इस मंदिर पे ध्यान नहीं दे पा रही है? हाँ, नहीं दे रहा है, हम लोग प्रयास में लागे हुए हैं, बराबर पत्रकार लोग आते हैं बाबू जी, ले आते हैं छीट करके जी, हम लोग हम ग्रामीण लोग प्रयास में लागे हुए हैं कि मंदिर बने जी, है ना, सरकार बनावे, है ना, वही प्रयास में लागे हुए हैं जी। ये स्थान है जी, बाबू रानीपति स्थान है, रानी साहेब मंदिर है ना जी। अगर इस मंदिर को बनाया जाए अच्छे से जिस तरह की ये मंदिर है, तो कितने मतलब प्रभावित होंगे यहाँ के? हाँ, ग्रामीण लोग प्रभावित है जी जी, उनका इंतजार ताक रहे हैं हम लोग, इसी के लिए हम सब सेवा में लगे हुए हैं मंदिर के जी, जो मंदिर बने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रघुवंशी कुमार जी। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए जी। उनका 14 कोष में राज था, उनका 14 कोष में जी, है ना, उन्हीं के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है ना जी, अब यही सब जो है देखभाल में हो रहा है, तो शुरुआत हो गए तकरा बाद ग्रामीण देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो ग्रामीण लोग हम लोग मिल करके जी उनका सेवा में मंदिर का सेवा कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये जो राम जी की मूर्ति है यहाँ पे, वो उस समय की मूर्ति या फिर अभी स्थापित की गई है? नहीं, ये मर या 5-7 वर्ष पहले हम लोग स्थापित किए हैं। अच्छा, वो मूर्ति जो गुमज गिरा, भुकनी टूट गया है ना, जब भूकंप आया था उस समय स्थापित किए थे? नहीं, इधर 5-7-10 वर्ष पहले। अच्छा, अभी काशी विश्वनाथ जी लाए हैं बनारस से, वही स्थापना की है, नहीं कहा महाजंगल हो गया था, हम ग्रामीण लोग मिल करके इसको सफा सुथरा कर करके इनका पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है। हाँ, आठ धातु था, वो इसी कम से कम 40-45 वर्ष पहले जो चोरी हो गया है, 40-45 वर्ष पहले जी, और बहुत दिन हो गया है, मतलब धातु की मतलब प्रतिमा थी। हाँ, जो है यहाँ आकर के जो है जो जंगल हो गया था महा,
राम स्थान गाछी वृक्षी सबक गया था वहाँ, तो हम ग्रामीण लोग मिल करके इनका सफा सुथरा किया गया है 2 बरस तक ले। तकरा बाद हम लोग मूर्ति ला करके इनका बैठाया गया है, राम जानकी सीता हनुमान जी काशी विश्वनाथ जी, हम लोग करके लेकर के इनका पूजा पुरस्कार ये हो रहा है।